अगेन इनटू लर्निंग फेज एवरी डे। अगर जैसे राजा साहब ने बात की, उनका जो क्वेश्चन था, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम फीलिंग बिट डाफ इन फ्रंट ऑफ सच द बिग गन्स, सो दैट डेफिनेटली आई विल बी गेटिंग अ लॉट ऑफ लीड्स फ्रॉम माय पैनलिस्ट आल्सो। सो एज फॉर द पीपीएफ इज कंसर्न, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा कि अभी बात की डॉक्टर साहब ने भी, नंबर वन एवरीबॉडी ऑब्वियसली इज हैविंग अ ग्रेट इंडिविजुअल प्रोफाइल, जो बंदे यहाँ पर बैठे हुए हैं। सो दिस फोरम इज देयर टू शेयर द नॉलेज, टू शेयर द पर्सनल एक्सपीरियंसेस, दैट इज द बेस्ट पार्ट आई वुड से। हर बंदा जो है वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में वुड हैव बिन वर्किंग अ लॉट, बहुत बड़ी बड़ी बिग गन्स होते हैं, लेकिन दिस इज वेरी ह्यूमन कि हम जिस एक छोटे से सर्कल में हो, हम उस सर्कल के किंग तो होते हैं, लेकिन जब बात आती है शेयरिंग की, जब बात आती है इंटरेक्शन की, देन वी फील कि हम किस एरिया में स्ट्रांग हैं। और हो सकता है हम जो इतने अरसे से इतने सारे स्ट्रांग समझ रहे हो खुद को, एक दूसरी जगह पे जाके वी विल बी इंटरेक्टिंग विद न्यू पीपल, वो अपने अपने एरियाज में स्ट्रांग होंगे, और हो सकता है वो मेरे एरियाज में मुझसे स्ट्रांगर हो, और मैं किसी गलतफहमी में हूं कि मैं इस एरिया में बड़ा स्ट्रांग रहा हूं, एंड आई हैव बीन डूइंग सच अ बिग थिंग्स। सो इस फोरम में आई वुड से, नो डाउट आई वुड से थैंक्स फॉर द टेक्नोलॉजी, मैं इस फोरम से ज्यादातर थ्रू टेक्नोलॉजी ही इंटरेक्टिव रहा हूं। ऑल द वर्चुअल सेशन आई वुड से आई हैव अटेंडेड, एंड दिस इज अ ग्रेट लक फॉर मी दैट आई एम गोइंग टू टेक अ स्टार्ट फ्रॉम द गोल्डन एरा, बिकॉज यू पीपल आर गोइंग टू सेलिब्रेट द गोल्डन जुबली, सो माई स्टार इज द गोल्डन वन आई वुड से। सो आई एम थैंकफुल टू दिस। सो अगर ये बात कहें कि ये फोरम, तो मेरे ख्याल में जो इतने सारे इंडस्ट्री से रिलेटेड लोग, इंस्पेक्टर साहब ने बताया ही इज फ्रॉम दैट एरिया, जिसे हम वैसे डरते हैं थोड़े थोड़े, तो लेकिन ही इज टेलिंग अस। मैं छोटी सी एक चीज आपसे शेयर करूंगा, व्हेन आई वाज डूइंग एमफिल इन मार्केटिंग इन यूईटी, तो मैंने खुद से कह के एक क्वालिटेटिव रिसर्च का एक टॉपिक लिया, जो अनफॉर्चुनेटली कंप्लीट नहीं हुआ बिकॉज ऑफ वेरी मच डिफिकल्टी टू गेट द डेटा। मेरा टॉपिक क्या था, आई वॉन्ट टू चेंज द इमेज ऑफ पोलिस, पोलिस मार्केटिंग के नाम से मैंने वो एक टॉपिक लिया। मुझे मेरे जो सुपरवाइजर थे, उन्होंने काफी यानी मेरी मुखालफत की, उन्होंने कहा यार कहीं से भी डेटा ले आओगे लेकिन हम वेरीफाई कैसे करेंगे। तो मैंने एक डिफरेंट सी टेक्निक को यूज की, मैं जब फैसलाबाद से लाहौर जाता था, मैं पुलिस वालों को लिफ्ट दिया करता था, और सारा रास्ता मैं उनसे पूछा करता था दैट व्हाट इज द इमेज ऑफ पुलिस, वो मुझे पता है, हाउ वी कैन चेंज इट। बहुत डिफरेंट किस्म की चीजों का पता चलता, ऑनेस्टली स्पीकिंग कुछ ऐसी चीजों का पता चलता था कि जिसे सुन के शर्म भी आती है, कि हाउ हार्ड वेज दीज पीपल आर गोइंग थ्रू, और हम लोग ऐसे ही उठ के बाद कुछ भी कर देते हैं, बट दे पीपल आर रियली एंड्यूरिंग दैट हार्ड वेज। अब उन चीजों का पता चला तो कहते हैं ना, आहिस्ता आहिस्ता ना दिल में इनके लिए थोड़ी सी हमदर्दी भी पैदा हुई, लेकिन वो वक्त के साथ साथ कभी ऊपर चली जाती है, नीचे चली जाती है। तो ये एक छोटी सी एग्जाम्पल थी कि जब तक हम इंटरेक्ट नहीं करते किसी से, हमारे अपने एक जहन में बने हुए बहुत सारे आइडल्स होते हैं, जिसकी हम पूजा भी करते रहते हैं, उसी को बनाते संवारते भी रहते हैं। वंस वी इंटरेक्ट विद अदर्स, ईदर दे आर फ्रॉम द सेम इंडस्ट्री वी आर वर्किंग इन, सेम वॉक ऑफ द लाइफ वी आर वर्किंग इन, या किसी दूसरे से, देन हमारे पास आता है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आने का जो मैं समझता हूं सबसे बड़ा बेनिफिट है, कि हमें तमीज आ जाती है दैट हाउ टू इंटरेक्ट विद अदर्स, हम किस तरह से अगले की बात सुनेंगे और अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं उसको हम प्रेजेंट करेंगे। और हो सकता है आई मस्ट बी वेरी मच रेडी कि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा हो सकता है टोटली गलत साबित हो जाए। तो इस तरह के जो फोरम्स हैं, आई वुड से कि वहां पर हमें जब हम आए तो वो अपनी सारी की सारी जो लर्निंग है, लर्निंग कह लें या जो इमेज है जो हमने बनाए हुए हैं, उनको बेहतर है हम बाहर रख के आए, ताकि हम अपने वो जो बाउल है उसको भर सके, दूसरे बंदों से सीख सके, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को ऑब्जॉर्व कर सके। तो लेट मी से कि दिस फोरम इज ग्रेट वन कि हम दूसरी